प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के किसान अब उनकी कमाई बढ़ेगी क्योंकि प्रदेश के किसान अधिक मात्रा में मूंग और उड़द को रोजाना बेच पाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सीजन 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए मौजूदा 25 क्विंटल की सीमा में छूट देते हुए इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री तोमर से मिलकर उन्हें बताया था कि भारत सरकार की PSS की गाइडलाइन के अनुसार उपार्जन के संबंध में 25 क्विंटल प्रतिदिन प्रति किसान खरीद सीमा नियम होने के कारण जिन किसानों के पास पंजीयन अनुसार ग्रीष्मकालीन मूंग की अधिक मात्रा है तथा वे एक बार में 25 क्विंटल से ज्यादा मात्रा लेकर आते हैं, उन्हें उक्त सीमा के कारण दिक्कत होती है। इस समस्या को तत्काल हल करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने अधिकारियों को निर्देश किया, जिसके बाद आज इस छूट के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के इस निर्देश के बाद किसान काफी खुश हैं क्योंकि वो अधिक मात्रा में अपनी उपज बेच पाएंगे और इससे उनकी आय बढ़ेगी और साथ ही उन्हें उनकी उपज के दाम भी अच्छे मिलेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीद की मात्रा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी क्योंकि फसल खरीद की सीमा सिर्फ 25 क्विंटल प्रति किसान ही थी, यानी एक किसान MSP पर सिर्फ 25 क्विंटल तक ही अपनी उपज बेच सकता था, अब वो 40 क्विंटल प्रति किसान तक बेच पाएगा। केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री ने केंद्रीय सचिव से मुलाकात की और मूंग खरीद की मात्रा बढ़ाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मूंग खरीदी की मात्रा को 25 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम की गाइडलाइन में संशोधन किया जाता है तो किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी क्योंकि उनकी बेचने की क्षमता बढ़ेगी और अधिक से अधिक उपज बेच पाएंगे। राज्य में इस बार 12 लाख हेक्टेयर जमीन में मूंग की खेती की गई थी, इसे देखते हुए बंपर उत्पादन की उम्मीद जताई गई थी। वहीं केंद्र सरकार ने इस साल 2,40,000 टन मूंग की खरीद करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।